इंस्टाग्राम में इस तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों। ये प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे और इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं और क्यों आ रहा है ये प्रॉब्लम्स आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसका पूरा मतलब समझते हैं कि जैसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर वी सस्पेंड योर अकाउंट RD और 180 डेज लेफ्ट अप टू अपील परमानेंटली डिसेबल योर अकाउंट सस्पेंड ऑन अप्रैल 21 यानी कि आज की तारीख को। और दूसरा ये है कि 180 डेज के लिए ये रहने वाला और परमानेंटली डिसेबल योर अकाउंट। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात ये है कि व्हाट दिस मीन्स, मतलब योर अकाउंट इज़ नॉट विजिबल टू पीपल ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ एंड यू कैन नॉट यूज इट। मतलब इसका ना मतलब है कि ये अकाउंट है वो दिखाई नहीं देगा और इंस्टाग्राम पर आप इसे यूज नहीं कर पाओगे अभी फ़िलहाल के लिए। और व्हाट यू कैन यू डू, यू हैव 80 डे लेफ्ट अपील डिसीजन, वी आर नीड टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन, यू आर हेल्प टू रिव्यू योर अकाउंट अगेन। यानी कि अगर आप अपील करते हो तो दोस्तों यहाँ पर ये सही हो जाएगा। और अब यहाँ पर वाई दिस हैपन, योर अकाउंट एक्टिविटीज डज नॉट फॉलोइंग अ कम्युनिटी गाइडलाइंस, यू आर इंटीग्रेट एंड ऑथेंटिक आइडेंटिटी। यानी कि मतलब रियल आइडेंटिटी की वजह से ये रूल्स है और यहाँ पर ये जो रूल्स आए हैं नए, वी आर सस्पेंड योर अकाउंट, वी कैन नॉट पीपल इंस्ट क्रिएट ए फेक अकाउंट। मतलब यहाँ पर ये एक इंस्टाग्राम ने रूल बनाया है कि जो लोग फेक अकाउंट को यूज कर रहे हैं तब ये प्रॉब्लम आ रही है। एग्जाम्पल फॉर थिंग डोंट अलो क्रिएट एन अकाउंट बाई पास एंड गाइडलाइंस यूजिंग बोट्स अदर ऑटोमेटिक मीन्स क्रिएट अकाउंट। मतलब बहुत सारे अकाउंट बनते रहते हैं इस वजह से ये डिसेबल किया जाता है। हाइडिंग योर आइडेंटिटी डिलीबरेट मिसलीडिंग और डिसीव पीपल एंड रीड इन फुल, ये बाद में हम जानेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप ये नया अकाउंट बना रहे हैं ना तभी आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर तो कुछ डाला ही नहीं है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि इसमें जैसे कि RD हमने एक अकाउंट नया अकाउंट बनाया तो ये कोई नाम ही नहीं है RD, हमने अपने मनपसंद ऐसे ही मतलब नाम डाल दिया, मतलब कोई नाम नहीं है ये। एक तो ये रीज़न हो सकता है क्योंकि हमने अभी क्रिएट किया है, अभी अभी क्रिएट किया है। दूसरा दोस्तों अपील का डिसीजन, अगर आपका ये पुराना वाला अकाउंट है तब दोस्तों आप अपील करेंगे। अगर ये अब जैसे हम नया अकाउंट बनाया है तो यहाँ पर ये अकाउंट आएगा तो आपको क्या करना है, नया अकाउंट है तो आपने बनाया तो यहाँ पर M जैसे W F और I, फिर यहाँ पर जो अब दिखाई नहीं दे रहा वैसे UY टाइप कर देते हैं, देखते हैं कि ये कोड काम करता है नहीं। फिर यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, जैसे कोई ईमेल एड्रेस आपने डाला है तो मान लीजिए हमने एक ईमेल एड्रेस डाल देते और फिर सेंड द कोड पर क्लिक करेंगे। अब ये कोड मतलब एक नए ईमेल एड्रेस पर जाएगा, दूसरे वाला ईमेल एड्रेस डाला है तो हम इस ईमेल एड्रेस को जाकर फॉलो करके यहाँ से जैसे कि यहाँ पर कन्फर्मेशन कोड आ गया है तो दोस्तों यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। और दोस्तों ये वाला जो नया अकाउंट बना रहे उसके लिए तो देखते हैं कि ये अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा क्योंकि नए अकाउंट में ये प्रॉब्लम्स आ रही है देखने को, तो नए अकाउंट में भी आ रही है क्योंकि फेक अकाउंट बहुत बनते हैं तो ये प्रॉब्लम। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है तो आपको ये कोड मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पर, जैसे ये कोड आएगा उस कोड को आपको यहाँ पर डालना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर जैसे होने के बाद दोस्तों अब आगे का प्रोसेस होगा, यू आर बैक ऑन इंस्टाग्राम एंड लॉन्गर सस्पेंड, यू आर अकाउंट इज नो लॉन्गर सस्पेंड, व्हाट यू मीन रिव्यू यू आर अकाउंट फाउंड दैट इज नॉट, यानी कि अब देखते हैं ये अकाउंट बनाए नहीं। तो दोस्तों ये अकाउंट नहीं बनाए लेकिन नया अकाउंट बनाने के लिए सारी फॉलो किए लेकिन नहीं बनाए तो दोस्तों आपको दोबारा से बनाना है अकाउंट। अब कैसे बनाना है मैं नया वीडियोस बनाऊंगा, ये नए अकाउंट पर आया है तो मेरा नया वाला जो इसी पे वीडियोस आने वाला है उसे पूरा देखिएगा तो आपको समझ आएगा पूरा डिटेल्स। तो ये नए अकाउंट पर अब आ रहा है और अगर आपका ओल्ड अकाउंट है तो भी आपको माइंड करिए, मैं उसके लिए भी सोल्यूशन बताऊँगा।